अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टेंथ क्लास वाले स्टूडेंट्स देखो, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, लगभग आधा चैप्टर हो गया है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। कुछ बच्चे एब्सेंट थे क्लास में, तो वो भी परेशान ना हो, समझ आएगा, बस ध्यान से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पार्ट है इसका फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने समझाया था, डेफिनेशन बताई थी कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमिट फॉर्म होते हैं और फिर गैमिट फ्यूज होते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमिट फ्यूजन एंड गैमिट फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? तो जिस प्लांट पर फ्लावर प्रोड्यूस हो उसे बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। वैसे नाइन्थ क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म ही वो प्लांट होते हैं जिन पर फ्लावर आते हैं, और कोई भी प्लांट दूसरे नहीं होते जिन पर फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावर क्या है? तो हम फ्लावर को कह सकते हैं इट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फ्लावर बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें मेल पार्ट भी होते हैं, जिसमें फीमेल पार्ट भी होते हैं। अच्छा, फ्लावर बनता कैसे है? तो आप जानते ही हो, प्लांट में नीचे का पार्ट, सॉइल के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे रूट बोलते हैं, और जो ऊपर स्टेम और लीफ होती है उसे हम बोलते हैं शूट, है ना। तो फ्लावर भी कह सकते हैं हम कि शूट का ही मॉडिफिकेशन है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। तो फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। तो शूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, ये फ्लावर है, ठीक है। तो ये वो ब्रांच है जिस पर फ्लावर अपीयर हुआ है। थैलेमस कोई फ्लावर का पार्ट नहीं है, थैलेमस से ऊपर वाला हिस्सा पूरा फ्लावर है। तो थैलेमस से ऊपर वाला हिस्सा क्या क्या है? तो कैलिक्स है, जो नीचे जस्ट ग्रीन ग्रीन लीफ छोटी सी होती हैं उन्हें बोलते हैं कैलिक्स, और उसके ऊपर ये बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कलरफुल होते हैं, किसी फ्लावर में रेड, किसी में येलो, किसी में कोई दूसरा कलर, इसे कोरोला ठीक है। उसके बाद ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम, और फिर ये गाइनोसियम है, ओके, गाइनोसियम। दरअसल एंड्रोसियम मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट। हमने क्या सीखा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल पार्ट भी है और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल पार्ट भी है, ओके, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट को, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसे बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। और ये एसेसरी पार्ट हो गए, सपोर्टिंग हो गए। तो मेल फीमेल प्लस सपोर्टिंग, सपोर्टिंग क्या क्या है? कैलिक्स, कोरोला। अब देखो, हम इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये चार सर्किल है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आउटर सर्किल मान लिया हमने कैलिक्स है, उसके अंदर वाला मान लिया कोरोला, उसके अंदर वाला मान लिया हमने एंड्रोसियम, और सबसे अंदर वाला जो सर्किल है उसे क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो ये चार कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, आउटर वाला कैलिक्स, उसके बाद अंदर वाला कोरोला, और अंदर वाला एंड्रोसियम, और सबसे अंदर वाला गाइनोसियम, ठीक है। तो हम समझ गए, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट और गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट,
तो फ्लावर के ये पार्ट्स हैं, कैलिक्स इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये इनके पार्ट हैं। सेपल इज द, सेपल्स आर द पार्ट ऑफ कैलिक्स, है ना। जैसे कि यहां समझते हैं, ये किसी ना किसी फ्लावर में आपने देखा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी को मिला के, है ना, इन सभी को एक वर्ड में अगर बोलना चाहो तो क्या बोलेंगे हम, एंड्रोसियम। लेकिन इस अकेले को हम क्या नाम देंगे, स्टैमेन। क्या नाम देंगे, स्टैमेन। तो इन सबको, जितने भी दिखाई दे रहे हैं एक फ्लावर में, ये वाले, इन सबको बोलेंगे एंड्रोसियम, लेकिन एक सिंगल को क्या बोलेंगे, स्टैमेन। तो बेसिकली फ्लावर के पार्ट्स हैं और ये उन पार्ट्स की यूनिट्स हैं। क्या हैं ये, यूनिट्स। ओके, यूनिट्स। तो स्टैमेंस आर यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। कार्पेल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। पेटल, पेटल्स यूनिट ऑफ कोरोला। सेपल्स आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। ठीक है, तो यहां नाम है, एक वर्ड है कार्पल और दूसरा वर्ड क्या है, पिस्टिल। तो ये दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो नोट कर लेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। और फ्लावर बनता कैसे है, तो फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट, और वी कॉल फ्लावर फॉर्म्ड फ्रॉम द सूट आफ्टर मॉडिफिकेशन। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या पार्ट हैं, तो चार पार्ट होते हैं। आउटर सर्कल या आउटर होल इज कॉल्ड कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट्स हैं, जबकि एंड्रोसियम इज मेल पार्ट, गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट। अगर इनकी यूनिट्स की बात करें तो सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला, स्टैमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, कार्पिल और पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। फ्लावर पढ़ लिया, अब एक बार टाइप ऑफ फ्लावर भी देख लेते हैं, फ्लावर के क्या क्या टाइप होते हैं। तो एक फ्लावर होता है बाईसेक्चुअल और दूसरा फ्लावर होता है यूनिसेक्चुअल। ठीक है, बाईसेक्चुअल फ्लावर और दूसरा है यूनिसेक्चुअल फ्लावर। तो बाईसेक्चुअल फ्लावर का मतलब जिसमें एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और जिसमें गाइनोसियम भी प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे हम बाईसेक्चुअल फ्लावर। यूनिसेक्चुअल फ्लावर, या तो उसमें केवल एंड्रोसियम होगा या फिर उसमें गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों साथ नहीं होंगे। तो एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट और गाइनोसियम का मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हों उसे बोलेंगे बाईसेक्चुअल फ्लावर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड में अगर आप देखोगे तो उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्चुअल फ्लावर। अगर अगर एक फ्लावर है जिसमें केवल मेल पार्ट है, मींस एंड्रोसियम जिसमें प्रेजेंट है, तो हम उस फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर उसमें गाइनोसियम है खाली, फीमेल पार्ट है, तो फिर हम उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या, पिस्टिलेट। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो एंड्रोसियम है उसकी यूनिट को स्टैमिन बोलते हैं, तो स्टैमिन से आया वर्ड स्टैमिनेट, और गाइनोसियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिलेट, पिस्टिल, तो पिस्टिल से वर्ड आया पिस्टिलेट। ठीक है, एग्जांपल
जैसे कि हम बात करें पपाया की, है ना, तो पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ऐसे ही हम अगर बात करें कुकरबिट्स, जैसे कुकरबिट का मतलब हुआ जैसे पंपकिन, है ना, जैसे वाटरमेलन, कुकरबिट, पंपकिन, वाटरमेलन एटसेट्रा, पपाया आप जानते ही हो। तो इन दोनों में ही, इन दोनों के प्लांट पर ही जो फ्लावर आता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, है ना। एक और बात है, जो पपाया है उसमें जो फ्लावर आते हैं यूनिसेक्सुअल, वो डिफरेंट प्लांट्स पर आते हैं, डिफरेंट प्लांट, जबकि कुकरबिट में देखोगे तो ऑन सेम प्लांट। क्या मतलब हुआ इसका, कि पपाया की बात करें तो ये पपाया, पता चला इस पर केवल मेल फ्लावर है, ये पपाया का प्लांट है इस पर केवल फीमेल फ्लावर है, और ये अगर कुकरबिट मींस वाटरमेलन है जैसे कि, तो वाटरमेलन इस पर मेल फ्लावर भी है, इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन अलग अलग है। तो फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ से देखो पिस्टिलेट फ्लावर, और मेल फ्लावर को क्या बोलेंगे, यहाँ से देखो स्टेमिनेट फ्लावर। ओके, अच्छा, नोट्स में देखेंगे हम लोग, नोट्स में टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट कंटेन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट्स, एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। दूसरा जो टाइप है फ्लावर का वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डेफिनेशन इट कंटेन आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इसमें भी स्टेमिनेट फ्लावर मीन्स मेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स फीमेल फ्लावर, पपाया वाटरमेलन, पपाया मीन्स ऑन डिफरेंट प्लांट, वाटरमेलन पर जो भी फ्लावर है यूनिसेक्सुअल वो सेम प्लांट पर है। तो अब हम डिटेल में फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। पहले हम मेल पार्ट पढ़ लेते हैं, एंड्रोसियम, ओ एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, ठीक है, एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, और उसकी यूनिट क्या है, स्टेमिन हम समझते हैं। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं एंथर, और नीचे का ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, इसे स्टॉक या फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये हो गया पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो एंथर को फ्लावर का जो बेस होता है उससे जोड़ के रखता है ये स्टॉक फिलामेंट, और क्योंकि ये मेल पार्ट है तो इसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, क्या बनते हैं, मेल गैमेट। तो एंथर के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज से फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का, किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हम बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो एंथर के अंदर प्रोडक्शन किसका हुआ, पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ। पोलन ग्रेन देख लेते हैं एक बार कैसा दिखाई देता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, और जिसमें ये आउटर वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं एग्जाइन, एग्जाइन, और जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटाइन। और ये अंदर सेल है,
एक तो ये छोटी सेल है और एक बड़ी सी सेल है, ठीक है। ये बड़ी सेल है, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये सेल नहीं बल्कि ये न्यूक्लियस ऑफ दिस बिग सेल, और इस बिग सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी सी सेल पड़ी है बोट की टाइप की, उसका ये न्यूक्लियस है, इसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ओके। और यही जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में, और वो जो दो हिस्से या दो सेल में जो डिवाइड हो जाती है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग मेल गैमिट, मेल गैमिट, ठीक है। तो यही जेनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाती है दो मेल गैमिट में, ओके, टू मेल गैमिट। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर है इसी से फाइनली बनने वाले हैं मेल गैमिट, ठीक है। तो देखो एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेमेन, ये दिखाई दे रहा है, स्टेमेन में फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर टर्मिनली जो स्वेलन पोर्शन है उसे बोलते हैं एंथर, एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल, उसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये मान लो अगर मैं ये किया मैंने, और तो मेरे हाथ पर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल आए हैं लगभग इतने बड़े बड़े पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना। ये जो धूल है धूल के पार्टिकल के बराबर ही पॉलन ग्रेन होते हैं, इतने छोटे साइज में होते हैं, और वो छोटे वो धूल के पार्टिकल के बराबर जो उसका फोटो हमने बनाया है ना। तो बाहर वाली लेयर ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अच्छा, एक जगह, एक ऐसा भी जगह होता है जहाँ पर एक्साइन बाहर वाली लेयर एब्सेंट होती है, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलते हैं उसे, जर्म पोर। तो जर्म पोर, क्योंकि जब ये सेल बाहर निकलेंगी वो जर्म पोर से ही निकलेंगी, क्योंकि एग्जाइन काफी टफ होती है, मजबूत होती है, और इसलिए एक जगह एग्जाइन एब्सेंट होती है। तो जो ये एग्जाइन है ये बना होता है इस स्पोरोपोलिनिन का, इस स्पोरोपोलिनिन, ये जो स्पोरोपोलिनिन है वो हाईली रेजिस्टिव कंपाउंड है, इस पर ना सर्दी का ना किसी केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से ये सेफ बना रहता है, अंदर की जो सेल्स हैं सेफ बनी रहती हैं एग्जाइन की वजह से। और एग्जाइन जहाँ एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं जर्म पोर। ये हमें बाद में समझ आएगा कि जर्म पोर का क्या इम्पोर्टेंस है, जर्म पोर से दरअसल पॉलन ट्यूब निकलती है, और वो हम बाद में देखेंगे। एंड्रोसियम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट मैनी स्टेमेंस, समझ चुके हैं। एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स मेल गैमिटोफाइट। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइंग पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। मीन्स ये समझाया है कि कोई भी जो एंथर ओपन हो चुका है अगर उसे टच करोगे किसी भी फ्लावर के, तो आपके उंगली पर आपके हाथ पर येलो कलर का जो पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा वही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन हैज़ टू लेयर्ड वॉल, तो पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर वाली वॉल होती है। आउटर लेयर इज एग्जाइन विच मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आउटर लेयर एग्जाइन है, किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। एग्जाइन हैज ए अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, और एग्जाइन में एक अपर्चर होल होता है उसे जर्म पोर बोलते हैं। इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन विच इज कंटिन्यूस लेयर ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, और अंदर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं हम इंटाइन, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है और वो कंटिन्यूस है।